और कौन? आपको पता है कहाँ पर आए हुए हैं आज हम? पता नहीं कहाँ पर आए हैं, आप बता दें कहाँ पर आए हैं आज हम। ये सामने आप देख रहे हैं ना बिल्डिंग, इसके अंदर है मकबरा है जहांगीर, और एक मस्जिद है, और आसिफ खान का भी मकबरा है, और नूर जहाँ का मकबरा ज़रा इस साइड पे है, उसको भी हम देखेंगे वापसी पे देखते हैं। तो वापसी पे देखते हैं, तो चलो अंदर चलते हैं, चलें तो आपको दिखाते हैं। हाँ तो दोस्तों, ये अब हम अंदर आ गए हैं मकबरा जहांगीर के अहाते में। ये देखें दोस्तों, ये सारा एरिया है मकबरा जहांगीर का। आज धूप निकली हुई है लाहौर में काफ़ी दिनों के बाद। तो एक बोर्ड ये भी लगा हुआ है, ये अकबरी सराय उस तरफ जो है ना, अकबरी सराय है वो सामने है। तो सबसे पहले आपको अकबरी सराय दिखाते हैं मकबरा जहांगीर के अहाते में। चलो आओ फरकान, अकबरी सराय की बनाते हैं और वो दिखाते हैं। इधर से हो गया, इस तरफ से चलते हैं, वैसे तो वो सामने है रास्ता, इधर से चलते हैं। इधर से वो मस्जिद है सामने, चलो पहले मस्जिद दिखा देंगे। मस्जिद भी बड़ी खूबसूरत है। इस मस्जिद के बारे में मुझे किसी ने बताया था कि ये नूर जहाँ ने बनवाई थी, मलका नूर जहाँ ने। तो ये दिखाते हैं पहले, चलो ये भी ठीक है, मस्जिद से शुरू अपना काम हो रहा है। और उस तरफ है जहांगीर का मकबरा, बहुत अच्छी जगह है ये जैसा कि आप देख सकते हैं, बहुत बड़े रकबे पर फैली हुई है। सलाम अलैकुम, इधर फूल भी लगे हुए हैं ग्राउंड में अच्छे। ये मस्जिद खुलती है भाई कब? अच्छा खोल लें, ठीक है। अच्छा वो कुंडी लगी हुई है, चलो पहले मस्जिद को दिखाते हैं। तो ऊपर लिखा हुआ है मस्जिद मकबरा जहांगीर, और नीचे पहला कलमा लिखा हुआ है मुसलमानों का, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम। ये हाँ शूज उतार दें, फुरकान शूज उतार रहा है, मैं भी उतार देता हूँ। दोस्तों यहाँ पर मस्जिद के हवाले से कोई मालूमाती बोर्ड मौजूद नहीं है जिससे ये पता चल सके कि ये मस्जिद किसने बनवाई, कौन से साल में बनी और इसकी तामीर पर कितना खर्चा आया था। इसकी तामीर के हवाले से एक सुनी सुनाई बात जो लोगों में मशहूर है वो ये है कि ये मस्जिद मलिका नूर जहां ने बनवाई थी। दोस्तों ये मस्जिद का तालाब है, जब ये मस्जिद बनी होगी शायद उस वक्त इस तालाब का पानी वजू करने के लिए इस्तेमाल में लाया जाता होगा, मगर अब ऐसा नहीं है। लाहौर की कुछ पुरानी मस्जिदों में अब भी ऐसे तालाब देखने को मिलते हैं। माशाल्लाह बहुत ही खूबसूरत मस्जिद है, सैकड़ों साल पुरानी तारीखी मस्जिद अब भी काफ़ी अच्छी हालत में मौजूद है। लगता है कि मस्जिद की अच्छे तरीके से देखभाल की जाती है और यहाँ पर बाकायदा नमाज भी पढ़ी जाती है। दोस्तों मस्जिद का इस्लाम में बहुत ऊंचा मकाम है, मस्जिदों को अल्लाह का घर कहा गया है। मस्जिद में शोर मचाना, भीख मांगना, लड़ाई झगड़ा करना और दुनिया की बातें करना सख्ती से मना है। हदीस है कि जो इंसान दुनिया में एक मस्जिद बनाता है अल्लाह ताला जन्नत में उसके लिए एक घर बना देता है। जो लोग मस्जिदों को आबाद करते हैं यानी के इबादत करते हैं वो लोग दुनिया और आखरत में कामयाब होते हैं। दोस्तों मस्जिदों में टिकटॉक, लाइकी, यूट्यूब या किसी और प्लेटफॉर्म के लिए
बेहुदा वीडियोस नहीं रिकॉर्ड करनी चाहिए और ना ही कोई ऐसी एक्टिविटीज़ यानी हरकत करनी चाहिए जिससे मस्जिद का तकद्दस पामाल हो। दोस्तों, बहुत से लोगों को मैंने देखा है कि जब वो यूट्यूब, फेसबुक या टिकटॉक पर मस्जिद की वीडियोस अपलोड करते हैं तो उस पर म्यूज़िक लगा देते हैं, तो ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए। इसकी बजाय आप कोई नात, हमद या फिर तिलावत लगा सकते हैं। दोस्तों, इस मस्जिद की तरह मुग़लों ने बरे सगीर में बहुत सी मस्जिद बनवाई थी। क्या क्या है सर आपके पास? सर दाल है, सेमी है, पपीता है, पेठा है, पूरा है, क्या था? अच्छा, काफ़ी चीज़ें हैं। मरूंडे हैं। मरूंडे भी हैं। गजक है। गजक, वाह जी। वो एक पापड़ पहले एक बेचते थे, ये पापड़ी। अच्छा, ये वाले इसके अंदर ये बस। अच्छा, ये वो गोल से बड़े? नहीं, वो नहीं होते, वो ख़त्म हो गए। हाँ जी। वो दाल के थे शायद, दाल के होते थे। दाल है। हाँ, वो पापड़ एक इधर पहले मैंने खाए थे किसी टाइम, वो ख़त्म हो गए हैं। ठीक है। ये मकबरा जहांगीर की हिस्ट्री लिखी हुई है, ये देखिए। ये फुरकान इधर मुंह धो रहा है, क्या बात है फुरकान आपकी, मुंह आप इधर ही धो रहे हो, क्या वजह है। चलो जी, अब हम जा रहे हैं मकबरे की तरफ। हाँ तो दोस्तों, ये एक तालाब है, सूखा हुआ तालाब, ये आप देख सकते हैं। किसी ज़माने में इसमें पानी चलता होगा, अब तो बिल्कुल सूखा पड़ा है। तो वो सामने मकबरा है फुरकान, इसके चार मीनार हैं, 1, 2, 3, 4। और इस तरफ मुझे एक कब्रिस्तान नज़र आ रहा है, ये दिखाते हैं आपको। दोस्तों, ये एक कब्रिस्तान है, ये एक मज़ार भी मौजूद है किसी बुज़ुर्ग का, तो उस पर भी देखते हैं जाके, अर्जी देते हैं। मैं दिखाता हूँ, ये किसी बुज़ुर्ग का मज़ार है, नाम तो नहीं लिखा हुआ मगर दो कब्रें मौजूद हैं। इसके अलावा और कब्रें भी मौजूद हैं दोस्तों, काफ़ी। अल्लाह इन तमाम मुसलमानों की मगफरत फरमाए, आमीन। तो इसके बारे में मुझे किसी ने बताया था कि ये उन लोगों की कब्रें हैं जो कि 1947 में यहाँ मुहाजिर कैंप में आकर रहे थे, तो जब उनमें से कुछ फौत हो गए थे उनको यहाँ दफना दिया गया था। आगे अल्लाह बेहतर जानता है, ये सुनी सुनाई बात है, पक्का मुझे पता नहीं। हाँ तो दोस्तों, ये हम मकबरा जहांगीर के बिल्कुल पास पहुँच गए हैं, तो ये सामने मौजूद है मकबरा जहांगीर। दोस्तों, वो सामने मुग़ल बादशाह जहांगीर की कब्र है, तो ये आपको दिखाते हैं अंदर से हम। ये दरवाज़ा है इसका, ये कब्र है मुग़ल बादशाह जहांगीर की, फानूस लगा हुआ है ऊपर रोशनी के लिए और चारों तरफ बल्ब लगे हुए हैं, ये आप देख सकते हैं, अच्छा इंतज़ाम है। इसका ताबीज़ संगमरमर से बनाया गया है, इसके ऊपर कीमती पत्थरों की मदद से गुलकारी की गई है, इसके अलावा अल्लाह के 99 नाम भी लिखे गए हैं।
दोस्तों, मकबरा बनाते वक्त हवा की आमदोरफ्त का ख़ास ख्याल रखा गया है। यही वजह है कि गर्मियों के मौसम में भी हमें इस मकबरे में बाहर की निस्बत कम गर्मी महसूस होती है। दोस्तों, मुग़ल बादशाह जहांगीर अपने अदल व इंसाफ की वजह से भी मशहूर था। सुना है कि उसने अपने महल में एक जंजीर लटकाई हुई थी जो कि सोने की बनी हुई थी, जिसको जंजीर अदल का नाम दिया गया था। जब कोई फरियादी इस जंजीर को खींचता था तो शाही महल में बहुत सी घंटियां बज उठती थीं और बादशाह को पता चल जाता था कि कोई फरियादी अपनी फरियाद लेकर उसके पास आया है। इसके अलावा जहांगीर ने बहुत से टैक्स या महासिल ख़त्म कर दिए थे। अवाम की सहूलत के लिए उसने मसाजिद, सड़कें और सराय बनवाई। विरासती झगड़ों को हल करने में उसने ख़ास दिलचस्पी ली और कानून विरासत को नाफिज किया गया, जिससे विरासती झगड़ों का काफ़ी हद तक खात्मा हो गया। दोस्तों, ये मकबरा एक बड़े बाग के अंदर शाहदरा लाहौर में वाक़ है। ये बाग मलिका नूर जहाँ का था और इसका नाम बाग़े दिलकशां था। मुग़ल बादशाह जहांगीर की वफ़ात दमे की वजह से राजौड़ी शहर के करीब कश्मीर में हुई थी। फिर वहाँ से उसकी मैयत को लाहौर लाकर इस जगह दफनाया गया। मकबरे की तामीर का काम मलिका नूर जहाँ के दौर में शुरू हो गया था, मगर वो इसको मुकम्मल ना कर सकी और इसकी तकमील मुग़ल बादशाह शाहजहाँ के दौर में हुई। ये मकबरा 10 साल में बनकर तैयार हुआ और 10 लाख रुपए इसकी तामीर पर खर्चा आया। इसको बनाते वक्त बहुत से कीमती पत्थर इस मकबरे को खूबसूरत बनाने के लिए लगाए गए थे। सिख और ब्रिटिश दौरे हुकूमत में इस मकबरे को काफ़ी नुकसान पहुंचा और बहुत सी आरायशी अशिया उतार ली गईं। हरी सिंह नलवा का बेटा अर्जुन सिंह यहाँ रहता रहा। इसके अलावा अमीर काबुल का भाई सरदार सुल्तान मोहम्मद खान यहाँ रहता रहा। दोस्तों, इस मकबरे की बिल्डिंग में बहुत दफ़ा आग भी लगी। मकबरा जहांगीर के 4 मीनार हैं। इनमें से हर एक मीनार की ऊंचाई 100 फीट है। पहले आप इन मीनारों पर चढ़कर ऊपर जा सकते थे और मकबरे की छत भी देख सकते थे, मगर अब ये सहूलत ख़त्म कर दी गई है। अब कोई भी शख्स स्पेशल परमिशन के बग़ैर मकबरे के मीनार और छत पर नहीं जा सकता। दोस्तों, ये जो सामने आपको कमरे नज़र आ रहे हैं, ये अकबरी सराय के हैं। इसकी तामीर के हवाले से मुख्तलिफ बातें आवाम में मशहूर हैं। कुछ लोगों का कहना है कि ये सराय बहुत पुरानी है और मुग़ल दौर हुकूमत से पहले भी मौजूद थी, जबकि ज़्यादा मशहूर और सही बात यह है कि ये सराय मुग़ल बादशाह शाहजहाँ के दौर में बनाई गई थी। इस सराय में 180 कमरे हैं। दोस्तों, ये मकबरा जो सामने आपको नज़र आ रहा है, ये मकबरा आसिफ खान का है, जिसको आसिफ जाह भी कहते थे। ये मकबरा 16वीं सदी ईस्वी में बनाया गया। आसिफ खान मलिका नूर जहाँ का भाई था और मुमताज़ महल, जो के आगरा के ताज महल में दफन है, वो आसिफ खान की बेटी थी। आसिफ खान मुग़ल बादशाह शाहजहाँ के दौरे हुकूमत में मुख्तलिफ ओहदों पर काम करता रहा। आप अफवाज के सिपा सालार भी रहे
उसके बाद लाहौर के सूबेदार भी मुकर्रर हुए। 1641 ईस्वी में आपकी वफात हो गई। मुग़ल बादशाह शाहजहां के आप सुसर थे। मुग़ल बादशाह शाहजहां ने यह मकबरा बनवाया था और 4 बरसों में ये मकबरा बनकर तैयार हुआ। इस मकबरे को एक खूबसूरत बाग के दरमियान में बनाया गया था। मकबरे का लेवल ज़मीन के लेवल से थोड़ा सा ऊंचा है और इसको एक चबूतरे पर बनाया गया है। मकबरे के ऊपर एक मखरूती तर्ज का गुंबद भी बनाया गया है जिसकी शक्ल गोल है। सिख दौरे हुकूमत में इस मकबरे को नुकसान पहुंचा। उन्होंने इसके ऊपर लगा हुआ संगमरमर उतार लिया। दोस्तों, कब्र पर पिचीकारी की गई है। इसके अलावा अल्लाह के 99 नाम लिखे गए हैं। मकबरे के दरवाज़े मेहराबी तर्ज के हैं। जब ये बनाए गए थे तो इन पर खूबसूरत रोगनी टाइलें लगाई गई थी जो कि अब मौजूद नहीं हैं। इस मकबरे को 1993 में आलमी विरसा करार देकर यूनेस्को की लिस्ट में शामिल किया गया। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से इसकी अच्छी देखभाल की जा रही है। सिक्योरिटी का भी इंतज़ाम मौजूद है। इसके अलावा जब ज़रूरत हो तो इसकी मुरम्मत भी होती रहती है। इस मकबरे को किसी किस्म का नुकसान पहुंचाना या इस पर कुछ लिखना एक जुर्म है। अगर कोई ऐसा करते हुए पकड़ा जाए तो उसको 3 साल कैद बामुशक्कत या जुर्माने की सज़ा या दोनों सज़ाएं हो सकती हैं। इस तरफ हमें एक मज़ार एक और नज़र आया है, तो वो देखते हैं ये कब्र किसकी है। वो सामने सारी चीज़ें मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। इस जगह की तफसीली वीडियो ये बना रहा हूँ ताकि आपको सबका पता चल जाए। हाँ, फिर भी आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते तो ये बड़ा अफसोस होता है मुझे, और प्रोग्राम भी उदास हो जाता है कि जब हमारे सब्सक्राइबर नहीं बढ़ते। तो ये अब मैं जूती इधर उतार देता हूँ। जूती मैंने उतार दी है दोस्तों। तो ये मैं आपको मज़ार दिखाता हूँ, किसी बुज़ुर्ग का है। ये दोस्तों मज़ार है। ये इनका नाम भी लिखा हुआ है दोस्तों, हजूर किबला हज़रत सैयद रहीम शाह गुल सरकार रहमतुल्लाह ताला अलैह। तो ये इनका मज़ार है। ये आसिफ खान के मकबरे के अहाते में है। वो सामने आसिफ खान का मकबरा है। तो दोस्तों, अब हम इससे बाहर जा रहे हैं नूरजहां का मकबरा देखने के लिए। वो दूसरी तरफ है, तो वहां पर आपको दिखाएंगे नूरजहां का मकबरा। अब हम निकलते हैं। मलिका नूरजहां मुग़ल बादशाह जहांगीर की सबसे महबूब बीवी थी। आपके वालिद का नाम मिर्ज़ा गयास बेग था। जब मलिका नूरजहां का इंतकाल हुआ तो उस वक्त उनकी उम्र 72 साल थी। मुग़ल बादशाह जहांगीर आपकी वफात से 18 साल पहले ही वफात पा गया था। जहांगीर ने अपनी बीवी से मोहब्बत के इजहार के लिए सिक्कों पर भी मलिका नूरजहां का नाम लिखवाया था। दोस्तों, ये मकबरा मलिका नूरजहां ने खुद अपने लिए बनवाया था। ये 4 साल की मुद्दत में बनकर तैयार हुआ। उस वक्त 3 लाख रुपए इसकी तामीर पर खर्चा आया था।
ये मकबरा भी लाहौर में मौजूद दूसरे मकबरों की तरह बाग के लेवल से कुछ ऊंचा एक चबूतरे पर बनाया गया है। मकबरे की इमारत को चौकोर बनाया गया है। मकबरे के अंदर दो कब्रें मौजूद हैं, जिनमें से एक कब्र मलिका नूर जहां और दूसरी कब्र उनकी बेटी लाडली बेगम की है। मगर ये कब्रें असल नहीं हैं, ये अलामती या नुमाइशी कब्रें हैं। इन दोनों की असल कब्रें इसके नीचे एक तहखाने यानी बेसमेंट में मौजूद हैं। इस मकबरे को सिखों के दौरे हुक्मरानी में काफ़ी नुकसान पहुंचा। इस मकबरे को खूबसूरत बनाने के लिए जो पत्थर लगाए गए थे वो सिखों ने उतार लिए। इसके अलावा असल कब्रें जिस तहखाने में मौजूद थीं उसको भी खोला गया। तहखाने में दो संदूक जैसे ताबूत लटके हुए थे, जिसके अंदर मलिका नूर जहां और उसकी बेटी की लाशें थीं। सिखों ने इन ताबूतों को उतार कर ज़मीन में दफना दिया। मौजूदा दौर में मकबरे के अंदर जो ये संगमरमर का फर्श और चबूतरा नज़र आ रहा है, इसको मशहूर हकीम अजमल खान देहली वाले ने बनवाया था 1912 ईस्वी में। इस मकबरे को किसी किस्म का नुकसान पहुंचाना या इस पर कुछ लिखना एक जुर्म है। अगर कोई ऐसा करते हुए पकड़ा गया तो उसको 3 साल कैद बामुशक्कत या जुर्माने की सज़ा या फिर दोनों सज़ाएं एक साथ सुनाई जा सकती हैं। तो इसलिए दोस्तों एहतियात करें। मलिका नूर जहां का मकबरा, जहांगीर का मकबरा, आसिफ खान का मकबरा, मस्जिद और अकबरी सराय, ये सारी चीज़ें पहले एक ही रकबे पर मौजूद थीं। मगर अंग्रेज़ों के दौरे हुकूमत में जब रेलवे लाइन बिछाई गई तो नूर जहां का मकबरा रेलवे लाइन के दूसरी तरफ चला गया। दोस्तों ये है पिंडी कब्रिस्तान। ये कब्रिस्तान मकबराए जहांगीर के अहाते से नज़र आ रहा था, इसलिए मैं यहां चला आया। दोस्तों मकबराए जहांगीर के अहाते की दीवार के साथ जो आबादी है उसके अंदर ये कब्रिस्तान वाक़ है। इसके अलावा यहाँ पर कब्रें भी मिली जुली हैं। कुछ कब्रें तो कच्ची हैं और कुछ पक्की बनी हुई हैं। कुछ कब्रों पर कतबे भी लगे हुए हैं, जबकि कुछ कब्रों पर कतबे बिल्कुल नहीं लगे हुए। कुछ कब्रों के कतबों पर अशआर भी लिखे हुए हैं। दोस्तों आजकल ये फैशन बन चुका है कि लोग सिर्फ जनाजा पढ़ते हैं और फिर वापस चले जाते हैं। मैयत के साथ कब्रिस्तान तक बहुत कम लोग जाते हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए। जब तक मैयत कब्र में दफन ना हो जाए उस वक्त तक कब्रिस्तान में ही रुकना चाहिए। इस अमल का बहुत ज़्यादा सवाब है। हदीस पाक है कि कब्र या तो जहन्नुम के गढ़ों में से एक गढ़ा है या फिर जन्नत के बागों में से एक बाग। अल्लाह हम सब को कब्र की तैयारी की तौफीक अता फरमाए। आमीन। इधर से यार ये मकबरा नजर आता है? हाँ जी, हाँ जी आता है। किधर है? ये दीवार चढ़ेंगे ना, ये वाली दीवार। हाँ हाँ आगे है, दीवार चढ़ेंगे नजर आएगा। अच्छा नजर आएगा। ये एक मज़ार है हजरत सूफी मोहम्मद शरीफ कादरी महमूदी रहमतुल्लाह अलैह का। तो दोस्तों वो सामने सीढ़ियाँ सी बनी हुई हैं, लगता है इसके ऊपर चढ़ेंगे तो हमें जहांगीर का मकबरा नज़र आएगा।
तो दोस्तों ये है वो जगह, ये देखें उस साइड पे जहांगीर का मकबरा है, यहाँ पर कब्रें बनी हुई हैं सारी। अल्लाह इन तमाम मुसलमानों की मगफरत फरमाए, आमीन। एक दिन मर के हमने भी यहाँ पर आ जाना है, कभी ये लोग भी सारे ज़िंदा थे हमारी तरह, और हमारा भी यही हाल हो जाना है। जी अल्लाह हम सब की और इनकी भी मगफरत फरमाए, आमीन। तो दोस्तों ये देखें, ये है वो जगह, यहाँ से ये नज़र आ रहा है मकबरा जहांगीर का आता, ये सामने। तो अब मैं आपको दिखाता हूँ उधर से कि मकबरा किधर है। तो दोस्तों वो सामने जो आपको मीनार नज़र आ रहे हैं, तो वो मकबरे के ही हैं, मकबरा जहांगीर के। यहाँ से साफ नज़र नहीं आ रहा, दरख्त हैं। तो ये देखें दोस्तों, ये सारा कब्रिस्तान है, बहुत पुराना कब्रिस्तान है, सैकड़ों साल पुराना, और अभी तक यहाँ पर तदफीन होती है मुर्दों की। सलाम अलैकुम। इस कब्रिस्तान के बारे में कुछ यार पता हो आपको? पिंडी कब्रिस्तान, इस कितना पुराना है ये नहीं पता? नहीं, मतलब कितने साल हो गए ये नहीं पता किसी को? कोई आइडिया नहीं है? नहीं, है। मकबरे से भी पहले का बना हुआ है? हाँ। अच्छा, मकबरे से पहले का नहीं, नीवी है ना ये देखे। हाँ भी, अच्छा इससे भी नीवा था। हाँ। ये पहले से मौजूद था, मकबरा बाद में बना है। हाँ। अच्छा अच्छा अच्छा, जब ये ऐसा लगता है उधर से, कुछ ऐसा लगता है जैसे दीवार पे बना हुआ है। हाँ। लेकिन ये अलग है, अलग है लग रहा है। मैं उधर से आया हूँ ना, तो मुझे ऐसा ही लग रहा था जैसे दीवार पे कब्रें बनी हो। मैंने कहा यार ये कैसे हो सकता है? नहीं, 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 नहीं। तो ये अब भी यहाँ पे दफनाते हैं लोगों को? अच्छा अभी तक है, तो काफी जगह तो नहीं है इसमें, लेकिन कब्र के ऊपर कब्र ऐसे ही निकलेगी ऊपर से। हाँ जैसे वो मियानी साहब में ऐसे कब्रें हैं सारी। मियानी साहब का तो वो तो एशिया का बड़ा कब्रिस्तान, एशिया का सबसे बड़ा है। हाँ ये इतना बड़ा नहीं है, लेकिन ये काफी पुराना है, काफी पुराना है, काफी पुराना कब्रिस्तान है। नाम क्या है आपका? आमिर। आमिर, और आपका? फैसल। फैसल, बड़ी मेहरबानी यार बताने के लिए, शुक्रिया। ये लाहौर के थे, लोकल बंदे, बड़े अच्छे लोग हैं, अच्छे तरीके से मिले हैं, उन्होंने बताई है बात।